तो गाइस ये वीडियो होने वाला है मोशन पोस्टर के ऊपर, और ये इफेक्ट सीखने के बाद आप किसी सॉन्ग का, मूवी का, शॉर्ट फिल्म का, किसी भी चीज़ का मोशन पोस्टर में एक अलग सा सिनेमैटिक इफेक्ट डाल सकते हैं, सिनेमैटिक मोशन डाल सकते हैं स्टिल इमेज में। तो गाइस इस टाइप का इफेक्ट आप लोग मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे हो, फाइनली आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था अनलॉक डिज़ाइन अपनी वेबसाइट पे, और वो कोर्स करने के बाद आप लोगों के डिज़ाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आपके खुद के माइंड में डिज़ाइन के आइडियाज आते हैं, ट्रेंड के आइडिया आते हैं, बैनर पोस्टर के, अब आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसीलिए गाइस अपने चैनल पे अब आफ्टर इफेक्ट्स रिलेटेड, प्रीमियर प्रो रिलेटेड या मोशन बैनर से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा आएगी, क्योंकि डिज़ाइन की प्रॉब्लम आप लोगों की उस कोर्स करने के बाद ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब आप मेरे से बेटर डिज़ाइन कर पा रहे हो उस कोर्स करने के बाद, ठीक है। तो सीधा चलते हैं फोटोशॉप में और मैं बताता हूँ कि इस टाइप के मोशन इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि आपके मोशन पोस्टर को और भी ज़्यादा अमेजिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, ठीक है। तो सीधा चलते हैं फोटोशॉप में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अपने पास में ये इमेज है, ठीक है। आई होप इसमें कॉपीराइट ना आए, मैंने ऐसी इंटरनेट से लिया है। तो इसको मैं मोशन पोस्टर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है और थोड़ा सा लाइटिंग के साथ इफेक्ट किया, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब मैंने इसको एक नए प्रोजेक्ट पे लेके गया हूँ, जो है अपने पास ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा के मैंने यहाँ पे एक टेस्ट किया है कि ये बैकग्राउंड लगाने के बाद ये कैसा लगता है, थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड। अब इसको हम सीधा लेके चलेंगे आफ्टर इफेक्ट में और वहाँ पे हम मोशन क्रिएट करेंगे, प्लस हम इसको 3D कैमरा भी क्रिएट करके देख देंगे कि ये कैसा फील दे रहा है, ठीक है। तो सीधा हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। ओके, तो गाइस ये हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट में। अब हम सेम फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। आप PSD भी इंपोर्ट कर सकते हो और PNG भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ PSD। तो अपने पास ये रहा PSD और एज ए लेयर कंपोजिशन यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो गाइस जिस टाइप के इफेक्ट की आप बात कर रहे हो, वो टाइप का इफेक्ट क्रिएट होता है पपेट टूल से। पपेट टूल आफ्टर इफेक्ट में यूज़ होने वाला सबसे पॉपुलर टूल है, इसीलिए इसका जो शॉर्टकट है ये है Ctrl+P, और सबसे पहले ऊपर वाले टूल वाले में आपको ये इफेक्ट दिख जाएगा। ये तो देख रहे हो यहाँ पे, ये है पपेट टूल, ठीक है। तो आप Ctrl+P से भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक मैं मैनुअल भी बताऊँगा, एक मैं आपको ऑटोमेटिक भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटिक तरीका कौन सा है। तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये रहा अपने पास इमेज। अब यहाँ पपेट टूल पे आपने क्लिक किया और आपको यहाँ पे कुछ डॉट डालने पड़ेंगे, जैसे सेम फोटोशॉप में होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट यहाँ डाला, एक डॉट यहाँ डाला और एक मैंने यहाँ सेंटर में कर दिया। अब आप किसी भी डॉट पे जब लेके जाओगे और इसको मूव करोगे, ये देख लो ये हैंड यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सर यहाँ मूव हो रहा है, तो वहाँ पर एक डॉट लगा सकते हो, तो अब वो सर मूव नहीं होगा, ठीक है। ये देखो सिर्फ हैंड यहाँ पर ये मूव हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ हैंड मूव हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे होता है, जस्ट आपको कंट्रोल बटन को होल्ड करना होगा। कंट्रोल बटन आप होल्ड करो और इसको जिस तरीके से आप इसको लेके जाना चाहते हो आप इसको लेके जाओ, ठीक है। नीचे टाइमिंग चल रही है, जितना स्पीड में करोगे, जितना स्लो करोगे उतना स्लो जाएगा, जितना स्पीड करोगे उतना स्पीड जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ कंट्रोल करके इसको मूव किया था, अब इसको जस्ट आपको प्ले करना है, स्पेस बार से ये प्ले हो जाएगा। ये था ऑटोमेटिक तरीका। आप किसी के साथ भी कर सकते हो इसे, कोई बॉडी या कोई सा भी पार्ट यहाँ पर आप मूव करा सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये हैंड भी हल्का सा मूव हो, तो एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, और इसको स्टार्टिंग में लेके जाऊँगा, कंट्रोल होल्ड करूँगा और कंट्रोल होल्ड करने के बाद इसको मैं मान लो हल्का सा मैं इस तरफ करूँगा, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखो, जूम करके दिखाता हूँ, दोनों पॉइंट यहाँ पर मूव हो रहा होगा, देखो ये देखो, ठीक है। अब इसको जब ओवरऑल देखोगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। स्टिल इमेज है बट इसमें एक मोशन आ गया। जब आप इस टाइप इफेक्ट मोशन पोस्टर में डालते हो तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैनुअल तरीका, जो कि ज़्यादा यूजफुल है और आपको मैनुअल तरीका ही यूज़ करना चाहिए। उसमें आपको कंट्रोल होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट आपको पपेट टूल सेलेक्ट करना है और आपको मान लो हम यहाँ पर डॉट क्रिएट करते हैं, डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड मान लो यहाँ पे 6, ठीक है। अब जब आप इसको लेयर को जब आप एक्सपेंड करोगे ऐसे करके एक्सपेंड करोगे, तो मेस के अंदर आपके पास, डिफॉर्म के अंदर आपके पास पपेट के जितने पिन हैं सबके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब हर एक टूल को यहाँ पे आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। और सबका पोजिशन यहाँ पर चेक होना चाहिए, जो पोजिशन का जो स्टॉप वॉच है वो ऑन होना चाहिए। अब आप इसको यहाँ पर लेके जाओ, ठीक है, जितना आपको जितना स्पीड या फास्ट करना है यहाँ पर लेके गए, और मान लो आपने यहाँ पे पपेट पे यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आप हर एक टूल को मैनुअली मूव कर सकते हो, जैसे हमने इसको यहाँ मूव किया, इसको इस तरीके से हमने मूव किया,
इसको हमने और हल्का सा इसको मूव करके मान लो यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो पपेट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये रहा अपने पास एनिमेशन। तो इससे हमारा पूरा कंट्रोल होता है एनिमेशन पे, देख लो यहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल है। अब आप इसको प्ले करके देखो, सेम इफेक्ट यहाँ पे भी अप्लाई हुई है, बट देखो सेम इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है बट हमारे पास इसमें कंट्रोल है, हम इसको मूव और स्लो फास्ट कर सकते हैं। जैसे जितना पास करोगे उतना ये फास्ट मूव करेगा, जितना दूर करोगे उतना ये स्लो मूव करेगा। तो भाई इस टाइप से आप इसमें कहीं से भी एनिमेशन दे सकते हो और एनिमेशन पे आपका पूरा कंट्रोल यहाँ पे रहता है, ठीक है। पपेट टूल है, बहुत सिंपल टूल है पपेट टूल, लेकिन कैसे एनिमेशन देते हो वो टोटली आपके माइंड के ऊपर है। ये मैं जस्ट आपको टूल का यूज़ बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये टूल यूज़ होता है, ठीक है। आप इसमें कहीं भी मोशन डाल सकते हो, जहाँ भी आप चाहो इसके अंदर मोशन डाल सकते हो कहीं पे भी। तो क्या जैसा आप देख सकते हो कि इस इमेज के साथ हम बहुत सारा इफेक्ट नहीं डाल सकते, लिमिटेड इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तब भी जहाँ जहाँ हमें लगता था कि यहाँ पे हम मोशन डाल सकते हैं मैंने आपको डाल के दिखाया। अगर आप मोशन पोस्टर बना रहे हो और ये इफेक्ट ऐड कर रहे हो तो ये इफेक्ट तभी अच्छा लगता है जब आपका लेयर 3D में हो और आपके पास एक आफ्टर इफेक्ट में कैमरा भी हो। कैमरा ऐड करना आप लोगों को पता है सिंपल है एकदम, आपको क्या करना है सबसे पहले लेयर को 3D करना है। ये अपने पास लेयर 3D हो गया, अब ये रहा अपने पास इफेक्ट सारा का सारा। आप सब पे आप कंट्रोल कर सकते हो और आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे व्यू में जाना है और आपको टू व्यू करना है। तो आपके पास ये रहा दो व्यू आ गए, इस दोनों लेयर यहीं पे हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कैमरा यहाँ पर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कैमरा लेके इस बात पर आपको ध्यान देना है कि डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पर ऑन हो, तभी आपके पास बढ़िया डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। कैमरा आप 24 mm से स्टार्ट कर सकते हो, बढ़िया होता है। ओके, ये रहा कैमरा, ये रहा कैमरा और ये रहा आपका लेयर। अब आपको जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा पीछे की तरह मूव करना पड़ेगा कि वो दूर सा लगे। तो आप इसको सिंपली मूव टूल पर जाके और इस ब्लू वाले को पीछे की तरफ करोगे तो एकदम पीछे हो जाएगा। अब यहाँ से उसको एस प्रेस करके उसको जूम कर सकते हो, ठीक है। और इस वाले लेयर को ज़्यादा नहीं, हल्का से इसको कैमरे से पीछे ले जा सकते हैं। एस प्रेस करके हम इसको भी फिट कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन व्यू दिखाता हूँ। अब देखो, अब जब इसमें आप कैमरा वाला इफेक्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। और कैमरा के इफेक्ट कैसे करते हैं उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो पे जाके आप कैमरा के इफेक्ट देख सकते हो, कैमरा कैसे वर्क करता है, कैसे आपको मोशन पोस्टर बनाना है। तो इस टाइप के जो सिनेमेटिक इफेक्ट होते हैं, आप लोग मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे थे कि ऐसा इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब शायद आप लोगों को इसका इफेक्ट क्रिएट करना आ गया। जैसा गाइज आप लोग देख सकते हो कि इस इमेज के साथ बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था, सिर्फ एक हैंड था हमारे पास मूव करने के लिए जिसको हमने मूव किया। लेकिन आप जो इमेज चूज करोगे उसमें हो सकता है और भी बढ़िया इफेक्ट क्रिएट कर सके। तो गाइज आप ये दोनों वीडियो देखो और ये दोनों वीडियो देख के आप एक मोशन पोस्टर क्रिएट करो, सॉन्ग का, मूवी का, जिस टाइप का आपका मन हो आपका एक मोशन पोस्टर यहाँ पे क्रिएट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। और अब इसी टाइप की वीडियो सारी की सारी वीडियो आएगी, वीडियो से मोशन से रिलेटेड ज़्यादा आएगी क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि मैंने ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको ग्राफिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी। आप वहाँ पर सब कुछ सीख, जितना मुझे आता है ना सब कुछ आप वहाँ पे सीख सकते हो। और अगर अगर आपको नहीं पता कि इसको परचेज़ कैसे करना है तो आप learn.rajivmehta.in पे जाओ और वहाँ पर आप इसको परचेज़ करके उसी टाइम से देखना स्टार्ट कर सकते हो और सारी की सारी चीज़ आपको ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड समझ आ जाएगी। मैंने हर एक चीज़ पे बहुत डिटेल में बात की। तो ये था, जब आप स्टिल इमेज से कोई मोशन पोस्टर बनाओ तो कैसे उसके अंदर एक मोशन क्रिएट करते हैं स्टिल इमेज में। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलते हैं हम नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।